Hey everyone, welcome to Wiley Chatties. आज की वीडियो कोई स्ट्रेटेजी स्टडी प्लान या मोटिवेशन वीडियो नहीं होने वाली है। तुम्हारी रेणुका दी ना तुमसे थोड़ी सी नाराज है। मुझे ऐसा लगता था कि तुम लोगों की बायोलॉजी की प्रेपरेशन सुपर स्ट्रांग हो रही है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की बायोलॉजी की प्रेपरेशन मैं अच्छे से करवा सकूँ। यूट्यूब पर आप टाइम वेस्ट करने आओ तो मेरी तरफ से ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहे कि मैं आप लोगों को रिमाइंडर देती रहूँ कि भाई तुम्हें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। नीट के लिए मुश्किल से 60-65 दिन बचे हुए हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी है। इसीलिए अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं हर 1.5 से 2 घंटे में आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछती हूँ नीट बायोलॉजी सिलेबस से। लेकिन आज की वीडियो में जरा आपको थोड़ा सा रियलिटी से रूबरू कराना है बच्चों। देखो क्या है ना, अगर आप अभी किसी भी एजुकेटर, किसी भी मेंटर, किसी ट्यूटर, आपके ऑनलाइन टीचर, किसी से भी पूछो कि नीट 2022 की तैयारी करते हुए लास्ट के 60-65 डेज में सबसे सेफेस्ट या फिर सबसे इजीएस्ट स्टेप क्या रहेगा जिसकी वजह से मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट सिक्योर कर सकूं, तो हर कोई आपको सबसे पहले यही कहेगा कि आप बायोलॉजी अपनी सुपर स्ट्रांग कर दो। देखो ये बायो इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप लास्ट के 1-1.5 महीने में भी उठाओगे और डेडिकेटेड होते हुए पढ़ना शुरू करोगे तो आप लोग इजिली वो 38 चैप्टर्स कवर कर सकते हो और 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन आप में से काफी बच्चे बायो को भी बड़ा लाइटली ले रहे हैं भैया। हो सकता है उनका बायो का सिलेबस पूरा हो गया होगा, हो सकता है उनकी बायो की एनसीईआरटी 2-3 बार की रिवाइज भी हो चुकी होगी, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से बायोलॉजी में 360 के बहुत दूर हो तुम मेरी जनता। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ सुनो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज प्लस अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस या फिर यूनिट वाइज चैप्टर वाइज से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे कि आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कितनी हो रखी है। ठीक है, पिछले 1 हफ्ते में मैंने ये 4 क्वेश्चंस नोटिस करे जिसमें कि बच्चों ने इतना गलत आंसर दिया था और मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग बायोलॉजी को शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सबसे पहली चीज, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर 27 अप्रैल को एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हार्ट बीट्स। आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों, अराउंड 34K वोट्स अभी उस कम्युनिटी पोल सेक्शन में दिख रहे हैं मुझे जब मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो 34,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 4,760 बच्चों ने सही आंसर दिया। सिर्फ 14% बच्चों ने सही आंसर दिया कि 1 कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 हार्टबीट। जिनको नहीं पता है, 1 कार्डियक साइकिल का रिजल्ट 1 हार्टबीट होती है और इस 1 हार्टबीट में 2 हार्ट साउंड्स होते हैं, दैट इज लव एंड डव। फिर मुझे लगा कि जरा और जानू कि बच्चे कितना केयरलेस होकर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैंने May 4th को अपने टेलीग्राम चैनल पर ही एक पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन पुट किया कि भाई व्हाट आर इंटरफेरेंस। तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा कि वायरस इन्फेक्टिंग सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, नॉन इन्फेक्टिंग सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था व्हाट आर इंटरफेरॉन्स और बच्चे क्या मार्क कर रहे हैं, वायरस इन्फेक्टिंग सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स। 21,000 बच्चों ने अभी तक एट प्रेजेंट इस पोल में पार्टिसिपेट किया हुआ है जिनमें से सिर्फ 25% बच्चों ने सही आंसर दिया। तीसरा क्वेश्चन सुनो, YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में May 5th में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी पॉलीसेक्राइड चेन्स आर प्रेजेंट इन अ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। भैया एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन्स प्रेजेंट होती है, पॉलीसेक्राइड की 4 चेन्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ 9% बच्चों ने सही आंसर दिया था आउट ऑफ 27,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पोल में पार्टिसिपेट किया था। एक और क्वेश्चन सुन लो, May 5th को अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्मैक। बच्चे अदर नेम फॉर स्मैक इज HEROIN, हीरोइन। और मेरे प्यारे से बच्चे क्या मार्क करके बैठे हैं, मैं हीरोइन हूं। सिर्फ ये ई का फर्क आ गया और पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। तो मेजॉरिटी ने मार्क किया हुआ था कि अदर नेम फॉर स्मैक इज हीरोइन, बल्कि हीरोइन होता है, एन नहीं होता है यहां पर। सिर्फ और सिर्फ 2% बच्चों ने, 40,000 बच्चों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया था जिसमें से सिर्फ 800 बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो तुम देख लो कि अगर इस साल भी 16 लाख या 20 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं तो तुम्हारा कंपटीशन उन लाखों बच्चों में से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन बस इन 4,000, 5,000, 2,000 या फिर 800 बच्चों में है जो कि सच में डेडिकेटेड होते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तुम बायो जैसे ईजी सब्जेक्ट को इतना केयरलेस होकर हुए पढ़ रहे हो तो फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या एक्सपेक्ट करूं मेरे बच्चों। देखो बायो ईजी है, मानती हूं कि सच में तुमसे आखिर के 1.5-2 महीने में हो जाएगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बायो को तुम फॉर ग्रांटेड ले लो और बस ऐसे ही हवा में ही पढ़ते चले जाओ। बच्चों बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, जिन जिन वर्ड्स में तुम्हें लग रहा है कि भाई एक एक अल्फाबेट से नाम चेंज हो सकता है, उन अल्फाबेट्स को ढंग से पढ़ो, यहीं से ही क्वेश्चन बनकर आएगा। अब सच सच मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम में से कितने बच्चों को आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चन सही आंसर आते थे, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो।
पहला क्वेश्चन का आंसर, वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट होता है, 72 हार्ट बीट नहीं होता है। इंटरफेरॉन्स वायरस इन्फेक्टिंग सेल्स नहीं होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एल्दी बॉडी मॉलिक्यूल में पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, पॉलीसेक्राइड की नहीं होती है। स्मैक का दूसरा नाम हेरोइन है, ना कि मैं हीरोइन हूं। सच सच बताओ आउट ऑफ दीज फोर क्वेश्चन तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही गए, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज थोड़ा सा केयरफुल होते हुए पढ़ाई करिए, ये 2 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 2 महीने मेहनत कर दी, तो 2 महीने बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो इन 2 महीनों पर तुम्हें इतना ज्यादा गर्व होगा ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। बार बार तुम्हें समझाने कोई नहीं आएगा बच्चे कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें सुधरना होगा। तुम्हें यहाँ पर खुद ही गलती करनी है और खुद ही सुधरना है, खुद ही खुद को समझाना है। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन इन 4 क्वेश्चंस में से तुम्हारा कितना आंसर सही था। बायोलॉजी के 30,000+ क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर अपलोडेड है। बायोलॉजी पढ़ने का किसी दिन मन नहीं कर रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड एक ना एक पीडीएफ फाइल को उठाओ, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तो देखो तुम्हें कितने क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।